जब भी कोई महामारी आती है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। कई परिवार अपने दैनिक खान पान की व्यवस्था के अलावा छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त पोषण की व्यवस्था करने में असमर्थ हो जाते हैं। कोरोना महामारी ने भी दुनिया भर में नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त किया है। इसी त्रासदी से निकालने में समूचा प्रशासन लगा हुआ है। बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कलेक्टर श्री एस विश्वनी गोकुल सिंह के चक स्थित पठार पर पहुंचे। यहां वे छोटे छोटे बच्चों से मुखातिब हुए। उन्होंने सबसे पहले बच्चों के सैनिटाइजर से हाथ साफ कराए। उन्हें सफाई का महत्व समझाते हुए कोरोना जैसी बीमारी से बचने के उपाय सुझाए। उसके बाद कलेक्टर विश्वनाथन ने खुद बच्चों को अपने हाथ से गर्म दूध पिलाया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि ऐसी बीमारी के दौरान सबसे बड़ी समस्या बच्चों के पोषण की सामने आती है। आम दिनों के मुकाबले ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को पोषण के लिए आवश्यक दूध बिस्किट आदि बच्चों को नहीं मिल पाता। बच्चों को भरपूर पोषण मिले इसके उद्देश्य के साथ कलेक्टर श्री विश्वनाथन ने चक पर पहुंचकर सभी बच्चों को दूध पिलाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए सभी बच्चों को उन्होंने मास्क पहनाए। बारी बारी से उन्हें गर्म दूध और बिस्किट का वितरण किया। इस दौरान कलेक्टर ने उक्त क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों से चर्चा की। उनसे उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन, उनके राशन कार्ड हैं या नहीं सहित आदि चर्चा करते हुए जरूरतमंदों को सूखे राशन का वितरण किया। कलेक्टर ने घर घर जाकर लोगों से चर्चा की और इस दौरान आ रही परेशानियों और समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली।